उपद्रवी असुरों को भेजता भर है और वो जाते हैं और मारे जाते हैं, और द्वारका में भी कंस का निवास नहीं है। तो ये कंस रूप जो अहंकार है वो सूक्ष्म शरीर में निवास करता है, और स्थूल शरीर में और स्थूल जीवन में उसके द्वारा भेजी हुई वृत्तियां जाती हैं और वहां मारे जाते हैं। और कारण शरीर जो द्वारका है, जहाँ प्राज्ञ रूप से भगवान निवास करते हैं, वहाँ कंस की उपस्थिति नहीं है। तो ये प्राज्ञ रूप से द्वारका में, तेजस रूप से मथुरा में, और विराट रूप से गोकुल में। गोकुल में माने इंद्रियों के कुल में, स्थूल में, स्थूल गोकुल। दही दूध मक्खन खाने का वर्णन गोकुल में ही आता है। मथुरा में भगवान क्या खाते थे इसका वर्णन ही नहीं है। द्वारका में क्या खाते थे भगवान बताओ, मथुरा में क्या खाते थे बताओ। खाने पीने का काम तो भगवान गोकुल में ही करते हैं। अब ये सुतपा और कृष्णी के द्वारा जो जन्म है वो धर्म और पिपासा, जिज्ञासा के द्वारा जन्म है, परंतु वहाँ परोक्ष रूप से ही भगवान का जन्म है। पुराणों में ढूंढने पर भी ये नहीं मिलता है कोई कि कृष्ण गर्भ अवतार लेकर के भगवान ने क्या किया। तो धर्म और पिपासा, इसमें भगवान बहुत छोटा संक्षिप्त रूप जन्म लेते हैं। ये धर्म सुतपा जो है वो सुष्ठु तप रूप धर्म है, और जीवन में धर्मानुष्ठान और हृदय में भगवान की प्राप्ति की इच्छा। और अदिति और कश्यप का जो है वो योग द्वारा भगवान का जन्म है। वहां अदिति शांति रूपा है और कश्यप साक्षी दृष्टा रूप है। वहाँ बामन हैं, बामन रूप से हैं, लेकिन मारपीट नहीं है, शांति रूप है ना। वहाँ बलि रूप अहंकार को मारते भी नहीं है, केवल नाप लेते हैं, अपना कर लेते हैं। परंतु वसुदेव और देवकी के द्वारा जन्म जो है वो वेदांत की रीति से जन्म है, तत्वज्ञान की रीति से जन्म है। देवकी ब्रह्माकार वृत्ति है और वसुदेव शुद्ध वस्तु है, शुद्ध अवच्छिन्न अनवच्छिन्न का भेद उसमें नहीं है। तो ये श्री कृष्ण जो हैं, ये अविद्यादि सर्व दोष
उनका संहार करते हैं। परंतु ये तीनों अवतार रूप हैं। तुरीय जो है वो इन तीनों से विलक्षण है। वो तुरीयता में क्या विलक्षणता है कि वो द्वारका से भी अंतर्धान होने के बाद वो तुरीय रूप है। स्वधाम में स्थिति, स्वरूप में स्थिति, स्वधाम में स्थिति, स्वरूप में स्थिति। तो वो केवल द्वारका के परे ही नहीं रहता है, गोकुल के परे भी होता है। माने उसमें बाहर और भीतर का, अंतर और बाह्य का भेद नहीं होता है। इसीलिए गोकुल से परे कहाँ है, बोले वृंदावन है, और द्वारका से परे कहाँ है, बोले गोलोक है। माने ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मय धाम, धामना स्वेन सदा निरस्त कोकम सत्यम परम धीमई, वो स्वधाम है। तो उपासना की दृष्टि से वृंदावन स्वधाम है और तत्व दृष्टि से ब्रह्म स्वधाम है, स्वरूप है। और द्वारका मथुरा, और ये द्वारका मथुरा करके आप प्रकृति के राज्य में ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड में पृथ्वी, और पृथ्वी में भारतवर्ष, भारतवर्ष में ब्रज भूमि, या भारतवर्ष में एक और सौराष्ट्र में द्वारका, उत्तर प्रदेश में मथुरा, ऐसा नहीं लेना। ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था, और अवस्था भी केवल एक शरीर में होने वाली नहीं, विराट हिरण्य गर्भ और ईश्वर के साथ जिसका संबंध है, ऐसी अवस्था, ये भगवान के अवतरण का, धाम का स्वरूप है। शंकराचार्य भगवान ने उद्धृत किया और मनुस्मृति में भी आधा आया। तो मांडुक्य कारिका के ही भाष्य में एक स्थान पर शंकराचार्य भगवान ने कहा कि न यनध्यात्मविद कश्चित् क्रियाफलमुपासनुते, न यनध्यात्मविद वेदान् ज्ञातुं शक्नोति तत्वतः। आधा श्लोक मनुस्मृति का है और आधा शंकराचार्य का अपना है। माने जब उन्होंने आधा श्लोक मनुस्मृति का लिखा, उनका वाक्य भी उसी प्रवाह में, उसी छंद में निकला। जो अध्यात्मवित नहीं है वो वेद का वास्तविक अर्थ नहीं समझ सकता। न यनध्यात्मविद कश्चित्, न यनध्यात्मविद वेदान् ज्ञातुं शक्नोति तत्वतः, वो केवल वेदार्थ की कल्पना ही कर सकता है। न यनध्यात्मविद कश्चित् क्रियाफलम उपाश्नुते, जो अध्यात्म को नहीं जानता वो क्रियाफल का भोग भी नहीं कर सकता। हमारे असल में ये हमारे कर्म का फल हमको इस जीवन में कैसे मिलता है और मरणोत्तर कैसे मिलता है, इस बात को वो व्यक्ति नहीं जान सकता जो केवल तर्क और वितर्क में फंसा हुआ है। उसको इसका हृदयंगम नहीं हो सकता। इसका हृदयंगम तो ये तो उसी को हृदयंगम हो सकता है जो अपने अध्यात्म को जानता है। आंख में रोशनी कहाँ से आती है और ये कैसे देखती है, कैसे सूर्य की किरणों के साथ इसका संबंध बनता है, और सूर्य बाहर ही है कि कोई हमारे हृदय में भी सूर्य ग्रंथि है, कोई सूर्य केंद्र है, हमारे शरीर के भीतर एक ऐसा सूर्य केंद्र है, एक ऐसी सूर्य नाड़ी है, एक ऐसी सूर्य ग्रंथि है जो हमारे हृदय के ज्ञान का, हमारे हृदय में जो ज्ञान है, रूपक ज्ञान, रूपक ज्ञान, ज्ञान तो है हृदय में, और सूर्य है बाहर जो रोशनी डाल रहा है, और उस ज्ञान और बाहर के रूप के साथ संबंध कराने वाली इंद्रिय कैसी काम करती है, इस बात को जो समझ सकेगा वो रूप का तत्व समझ सकेगा। और जिसको ये नहीं मालूम कि सूर्य कैसे रंग फेंकता है वस्तु पर, और ये नहीं मालूम
कि हमारा ज्ञान जो है वो आंख की पुतलियों के साथ कैसे जुड़ता है और आंख की पुतलियां रंग कैसे दिखाती हैं, कि जिसको आध्यात्मिक तत्व का ज्ञान नहीं है उसको भौतिक तत्व का ज्ञान भी नहीं हो सकता, और यदि होगा भी तो अधूरा ही होगा। तो ये आंख और रूप का नाम लेकर के तो मैंने उदाहरणार्थ बताया, सभी ज्ञानों के संबंध में यही बात है। पृथ्वी कैसे गंध फेंकती है और हमारे हृदय में गंध का ज्ञान कैसे होता है, ज्ञान और हमारे हृदय के ज्ञान और पृथ्वी के गुण, इन दोनों के दोनों का संबंध ये हमारी नासिका इंद्रिय कैसे जोड़ देती है। जब तक इस बात को नहीं समझोगे तब तक न गंध को समझोगे न पृथ्वी को, न नाक को न मन को न अपने को, न यद्यात्मवित कष्टित क्रिया फल उपाय अश्नुत। तो ये जो धाम भगवान का एक धाम क्या है, कि एक धाम जागृत अवस्था है, एक धाम स्वप्नावस्था है, एक धाम सुषुप्ति अवस्था है और एक धाम अवस्थातीत होकर तीनों अवस्थाओं में विद्यमान है। तो तीनों अवस्थाओं में रहकर जो तीनों में विद्यमान है, तीनों से परे होकर तीनों में जो विद्यमान है उसको तुरीय बोलते हैं। तो ये जो श्री कृष्ण की लीला का वर्णन व्यास शुक आदि ने किया है, ये केवल कोई किस्सा केवल कहानी नहीं, इन्होंने आध्यात्मिक आधिदैविक और आधिभौतिक तीनों दृष्टियों को मिलाकर एक कथा लिखी है। ये है लेखक का पांडित्य, ये है लेखक का अनुभव कि वो एक प्रकार से कथा लिखता है और उसमें गोलोक के कृष्ण की भी कथा होती जाती है, तुरीय तत्व का निरूपण भी होता जाता है, और विश्व तेजस प्राज्ञ विराट रणगर्भ ईश्वर का निरूपण भी होता जाता है और भगवान की लीला भी बनती जाती है। इसलिए आजकल जो लेखक लोग लिखते हैं ना अखबारों में लेख छपता है, और ये व्यास की शुक की नारायण बहुत करके तो ये कह देंगे कि इस नाम का कोई व्यक्ति इतिहास में हुआ नहीं है, ये सब के सब बाद में कल्पित कर लिए गए हैं। तो आजकल के लोगों की खोज का ये परिणाम पहुंचता है, क्योंकि जैसे इनका खुर्दबीन, इनके खुर्दबीन की रोशनी, दूरबीन की रोशनी लाख दो लाख मील से आगे नहीं पहुंचती है, कुछ भी पहुंचे गिनती हो जाएगी, करोड़ मील हो जाएगा, 10 करोड़ मील हो जाएगा, अरब मील हो जाएगा, खरब मील हो जाएगा। दूरबीन खुर्दबीन की रोशनी जो है ये इनकी एक सीमा ही तक तो पहुंचेगी ना, अनंत को तो अपने पेट में नहीं लेगी। ऐसे इनका जो ऐतिहासिक अनुसंधान है वो 5,000 बरस तक, 10,000 बरस तक, लाख बरस तक, 2 लाख बरस तक ऐतिहासिक अनुसंधान पहुंचता है, परंतु अनादि और अनंत तत्व के ग्रहण में समर्थ नहीं होता है। इसलिए जिस अनंत का अनुभव करके और त्रिविध दृष्टि से संपन्न हो करके, आध्यात्मिक आधिदैविक आधिभौतिक दृष्टि से संपन्न हो करके, सात्विक राजस तामस वृत्तियों का अनुसंधान करके और त्रिगुणातीत स्वरूप का अनुभव करके हमारे महापुरुषों ने जो बात कही है वो केवल भौतिक दृष्टि से नहीं जानी जा सकती, उसके लिए अंतरंग और अंतर्मुख की दृष्टि अपेक्षित होती है। तो आपको सुनाया, धर्म और तज्जन्य वृत्ति के संयोग से ईश्वर का परोक्षानुभव होता है, और अदिति माने शांति और कश्यप माने साक्षी, इन दोनों के संयोग से अंतःकरण की शांत वृत्ति में वामन रूप से भगवान का अनुभव होता है। माने परिच्छिन्नता कटती नहीं है, परोक्षता तो कट जाती है। देखो, परोक्षता कटना दूसरी चीज है और परिच्छिन्नता कटना दूसरी चीज है। तो परोक्षता तो कट जाती है कि धर्म का फल स्वर्ग में है, ये परोक्षता तो कट गई, लेकिन साक्षी और शांति के संयोग से फल जो है
हाँ, वो परोक्ष तो नहीं है, है तो अपने हृदय में अपरोक्ष है, परंतु परिच्छिन्न है, ये परिच्छिन्नता नहीं कटेगी। लेकिन जब देवकी और वसुदेव के संयोग से जब परमात्मा का अनुभव होगा तो उसमें परिच्छिन्नता भी कट जाएगी। परोक्षता को काटता है सुतपा और प्रश्नी, और परोक्ष अपरोक्ष में जो परिच्छिन्नता है उसको काटता है कश्यप और अदिति, माने शांति और योग, शांति और साक्षी। और जो अपरोक्ष और परिच्छिन्न में जो अद्वितीयता का बोध नहीं है उसको काटता है ज्योति और वसुदेव, ब्रह्माकार वृत्ति। और अद्वितीयता जो है ये परमात्मा का स्वरूप है। तो विश्व की प्रधानता से सुतता और वृष्णि, और तैजस की प्रधानता से कश्यप और अदिति, प्राज्ञ की प्रधानता से जिसमें सब कट जाते हैं, ये सब को मार डालता है। किसी को महाराज ये प्राज्ञ जो है, ये प्राज्ञ जो है ये जिंदा छोड़ने वाला नहीं है। अब आपको एक बात बताते हैं, ये अपने बेटों को भी जिंदा छोड़ने वाला नहीं है, अपने भाइयों को भी जिंदा छोड़ने वाला नहीं है, अपने जदुवंशियों को भी जिंदा छोड़ने वाला नहीं है, ये धर्म वृत्ति को भी जिंदा छोड़ने वाला नहीं है, और ये योग वृत्ति संकर्षण के भी मर जाने के बाद रहता है। वो देखना द्वारका में जो संहार हुआ है ना द्वारका का, उसमें ये जो प्राज्ञ, प्राज्ञ में जागृत अवस्था और स्वप्नावस्था की कोई वृत्ति शेष नहीं रहती है, कोई वृत्ति शेष नहीं रहती है। तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ सबका संहार करते हैं, ध्वस्त करते हैं, केवल प्राज्ञ ही प्राज्ञ शेष रह जाता है, और स्वयं भी प्राज्ञ के रूप में न रह करके सूर्य के रूप में हो जाते हैं। इसका नाम स्वधाम गमन होता है। तो जन्म के प्रसंग में स्वधाम गमन का वर्णन इसीलिए किया कि मथुरा से गोकुल जाते हैं, ये बात तो बिल्कुल प्रकार का तो सुषुप्ति अवस्था के समान है, और इसमें विश्व तेजस प्राज्ञ तीनों का निवास है। अब द्वारका से जब स्वधाम गमन हुआ तो तुरीय के रूप में हो गया, और गोकुल से जब वृंदावन गए तो तुरीय के रूप में हो गए, माने शुद्ध ब्रह्म का जो अवस्थान है, शुद्ध ब्रह्म का अवस्थान है वो एक तो वृंदावन रूप है, वहाँ माया छाया नहीं है, माया छाया नहीं है। तो वैष्णवाचार्य जो वर्णन करते हैं, या तो उधर द्वारका में जहाँ से आए हैं उस धाम की नित्यता का वर्णन करते हैं, और इधर गोकुल से जिसमें गए हैं उस धाम की नित्यता का वर्णन करते हैं। सुदेव की स्तुति में ये प्रसंग आया, कौन बोलता है इसमें हमारा अभिप्राय नहीं है। अभिप्राय तो ये है कि इसमें ये बात कही गई है कि यदि तुम्हें काल से बचना है, और काल से बचना माने देश से भी बचना, क्योंकि किसी देश में रह करके कोई काल से नहीं बचता, और काल से बचना माने वस्तु से भी बचना, क्योंकि किसी दृश्य वस्तु से तादात्म्य करके कोई काल से नहीं बच सकता। तो दृश्य पदार्थ जो पृथ्वी आदि हैं, भौतिक पदार्थ देह आदि, इनसे बचना, और स्वर्ग आदि देश में जाने से बचना, और महाप्रलय में डूबने से बचना, सृष्टि के समय जन्म लेने से बचना, महाप्रलय में लीन होने से बचना, स्वर्गादि देश में जाने आने से बचना, और मनुष्य पशु पक्षी आदि होने से बचना। यदि ये तीनों बात तुम चाहते हो तो कहीं किसी लोक में चले जाओ, जागृत में जाओ, स्वप्न में जाओ, सुषुप्ति में जाओ, नहीं बच सकते, समाधि इससे रक्षा नहीं कर सकते। सर्वान् लोकान् निर्भयम् नाभ्यगच्छतो अभयम् अभय ब्रह्म, ब्रह्म ही एक अभय पद है। तद विजिज्ञासस्य त्वत्पादाब्जम् प्राप्य यदृच्छयाद्यो स्वस्थस्येते मृत्युरस्मादपहीति। त्वत्पादाब्जम् प्राप्य, भगवान के चरण कैसे हैं, बोले कमल हैं। ये भौतिक हो गया हो, ये माने ये विश्व हो गया। त्वत्पादाब्जम् कमल कहोगे तो विश्व हो गया,
त्वत्पाद चंद्रम प्राप्त। अब जो शब्द जो है वो चंद्रमा का वाचक है। अब जस चंद्र भगवान के चरण चंद्र की प्राप्ति होने पर ये तेजस हो गया वतन। और त्वत पादाब्ज पादाब्जम धन्वंतरिम प्राप्त। धन्वंतरी भी अब्ज है, चंद्रमा भी अब्ज है, कमल भी अब्ज है। त्वत पादाब्जम प्राप्य, यही भगवान के पास पहुंचने का। ये भगवान के चार पांव हैं, दो नहीं चार हैं। तो इसमें भी एक जगह चार लिखते हैं श्रुति में, एक जगह तीन लिखते हैं। ओहो, एक जगह चार तो लिखते हैं पर चार में एक जगह तो ऐसा बोलते हैं कि तीन पाद माया के हैं और एक पाद स्वरूप का है। मांडुक्य उपनिषद में जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तीन पाद माया के हैं और माया की गिनती से चौथा पाद परमात्मा है। असल में उसमें पादवाद नहीं है, परंतु माया ने तीन पाद बना दिए तो ब्रह्म को चतुष्पाद कर दिया, पशु बना दिया। हाँ, ब्रह्म को तुम ब्रह्म हो परंतु तुमको पशु किसने बनाया? बोले माया ने तीन पांव और अपनी ओर से जोड़ दिए हैं, और जिसमें जिसमें पत्ता और पद्य का भेद ही नहीं था। पत्ता प्राप्त करने वाला पत्री, जिसमें पत्ता और पद्य का भेद ही नहीं था, करके तीन पांव और जोड़ दिए, और तीन पांव और जोड़ दिए तो ब्रह्म जो है वो चतुष्पाद हो गया। और उपासक लोग इस श्रुति को प्रधानता न दे करके ऐसे बोलते हैं कि पादोस्य विश्वाभूतानी त्रिपादस्याम रतन देवी। ये देहाभिमान जो है ये मृत्यु का हेतु है, और यदि तुम विश्व तेजस प्राग्ञ में चलो तो तुम्हें अमृतत्व की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि इस सृष्टि से तुम ऊपर उठने लग गए हो। ये उसकी कथा है। अब काल से बचना, काल से बचना माने कार्य कारण भाव से बचना, और स्वर्ग नरक आदि देश से बचना, और पशु पक्षी आदि शरीर से बचना। इन तीनों बातों से अगर बच जाओ तो कैसे बचोगे? जब कालातीत पद की प्राप्ति होगी, कालातीत पद की प्राप्ति होगी तो कालातीत पद कौन है? है ना, त्वत्पादाब्जम प्राप्य जदृच्छयाद्य। अब क्या हुआ? बोले स्वास पांडुपट्टा सो गए अपने स्वरूप में। व्यास भरोसे कुंवर के सोत पांव पसा। तुलसीदास जी ने कहा कि तुलसी सुख सोवत भरोसे एक राम। जहां तक कर्तव्य की उपस्थिति है कि ये कर्तव्य है, ये कर्तव्य है, ये कर्तव्य है, वहां तक कर्ता भाव नहीं छूटा। और जब कर्ता भाव नहीं छूटा तो कर्म का फल भी नहीं छूटा, तो भोक्ता भाव भी नहीं छूटा। कोई भी कर्ता अपने को कर्ता तो माने, उसकी कर्तृत्व की भ्रांति तो न मिटे, और ये सोचे कि हमें कर्म का फल नहीं मिलेगा तो वो गलत सोचता है। कर्ता को भोक्ता होना ही पड़ता है, और जब भोक्ता होना पड़ता है तो जो भोग यहाँ नहीं मिलेगा उसके लिए दूसरी जगह जाना ही पड़ता है। चाहे पेरिस जाओ, चाहे अमेरिका जाओ, चाहे स्वर्ग जाओ, जो भोग यहाँ नहीं मिलता है उसके लिए दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। तो जब कर्ता बनोगे तो भोक्ता बनना पड़ेगा, भोक्ता बनोगे तो देश देशांतर में गमन होगा, और इस शरीर से जो भोग नहीं भोगे जा सकते। तुम्हारी वासना तो ऐसी है कि हमेशा जवान रहे, तुम्हें तुम्हारी वासना तो ऐसी है कि हमारी पत्नी भी जवान रहे, हम भी जवान रहे, का ऐसी भी वासना है कि बच्चे बच्चे ना होए और हमेशा जवानी बनी रहे, तो कौन चक्कर में पड़े? ऐसा है ना। तो स्वर्ग में अगर चले जाओ तो वहाँ तुम्हारी पत्नी भी जवान रहेगी, और पत्नी एक ही रहे इसका बंधन भी नहीं रहेगा। अच्छा, और बच्चे भी नहीं होंगे और जवानी भी नहीं जाएगी, और मल मूत्र आदि विसर्जन का भी कष्ट नहीं पड़ेगा। देखो कैसी जैसी वासना है ना, वासना अपना लोक बनाती है, वासना लोक का निर्माण करती है। तो अब
देश देशांतर में जाना पड़ेगा, और जिसको देश देशांतर में जाना पड़ेगा वो पूर्ण तो होगा ही नहीं, परिच्छिन्न होगा जरूर। तो जिसके लिए कर्तव्य है वो करता है, और जो करता है वो भोगता है, जो भोगता है उसका आवागमन है, जिसका आवागमन है वो परिच्छिन्न है, और जिसमें परिच्छिन्नता है उसके ऊपर तो बारंबार वसीला चलता ही रहेगा। कभी छोटा बनावेंगे, कभी बड़ा बनावेंगे, कभी यहाँ रखेंगे, कभी वहाँ रखेंगे। उसको पराधीन भी होना पड़ेगा, और पराधीन होना पड़ेगा तो अपनी वासना के अनुसार भोग न मिलने पर दुखी भी होना पड़ेगा। लेकिन जब भगवान के धाम में जाओगे, वो है भगवान का धाम, स्वधाम, स्वयं ज्योति, स्वयं प्रकाश, जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति को प्रकाशित करता है, और जो स्थूल समष्टि, सूक्ष्म समष्टि, कारण समष्टि को प्रकाशित करने वाला है, जो तीनों का अधिष्ठान है व्यष्टि समष्टि का, तो वो परब्रह्म परमात्मा जो है असल में वही सूर्य तत्व है। अब ये देखो कि ये तीन ही बार क्यों, श्री कृष्ण ने तीन जन्म क्यों लिया? तो जिस समय वरदान मांगा गया उस समय सुतपा और प्रश्नी ने ये वरदान नहीं मांगा कि आप ही हमारे पुत्र होंगे, क्योंकि कुछ तो संभावना देख करके मांगना भी होता है ना। जो वस्तु दी न जा सकती हो, ऐसी असंभव मांग कोई करेगा तो वो पूरी कहां से होगी? एक बात, तो क्या ऐसी भी कोई मांग हो सकती है कि जिसको ईश्वर पूरा न कर सके? तो भक्त लोग जो हैं विचार करें कि क्या कोई ऐसी मांग हो सकती है कि जिसको ईश्वर पूरा नहीं कर सकता। हाँ, सर्वशक्तिमान होने पर भी ईश्वर पूरा नहीं कर सकता, ऐसी मांग। तो सुतपा और प्रश्नी ने ये वर नहीं मांगा कि आप ही हमारे पुत्र हो जाएं। वो तो देख रहे हैं कि हमारे बाप बने खड़े हैं, उनको बेटा कैसे बनाएंगे। नाटक में तो ऐसा होता है, नाटक में हमने देखा हो, मैंने देखा एक बाप बेटे दोनों ही नाटक में है, मथुरा के थे, तो बच्चा था इतना बड़ा, 6-8 बरस का तो बच्चा होगा और बाप की उम्र होगी 40-50 बरस की। वो महाराज लंब तड़ंग भीमसेन, और दोनों जब मंच पर आए तो बाप ने अपने खास बेटे से ही पूछा कि तुम कौन हो। वो बोला कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, अपने बाप से बोला कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। बाप जो था वो अपने बेटे की इस बात को कैसे मानेगा हो कि हम तुम्हारे बेटे हैं, तो असंभव बात हो गई ना। तो अब भगवान हो सामने प्रकट और उनसे कहे कि तू कोई कि तुम हमारे बेटे, वो बात तो बनती नहीं है। तो हिम्मत नहीं पड़ी, मांगने का साहस नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आपके सदृश हमारा पुत्र होना चाहिए, आपके समान। तो भगवान ने ये बात दशम स्कंध में ये आई है, वो इसी तीसरे अध्याय में ही ये आई है। अदृष्टवान्यतमं लोके शीलौदार्य गुणैः समम्। तुमने कहा कि तुम्हारे सरीका पुत्र हो, तो हमने दुनिया में ढूंढा कि हमारे सरीका कोई और है कि नहीं है, तो हमारे सरीका तो कोई और नहीं मिला। अब भगवान क्या देंगे? वो तो कहते हैं हमको तुम नहीं, तुम्हारे सरीका चाहिए। भगवान ने कहा हमारे सरीका तो और कोई है ही नहीं। एक बात आप देखो कि यदि कोई ईश्वर को सर्वशक्तिमान कह के बोले कि अच्छा ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो मर सकता है कि नहीं, आप बोलो ईश्वर में मरने का सामर्थ्य है? यदि वो अपने सामर्थ्य से मरेगा, खुदकुशी करेगा, तो उस खुदकुशी का साक्षी बन के ईश्वर रहेगा,
मर नहीं सकता। अच्छा ईश्वर से कहो कि हे ईश्वर तुम एक दूसरा ईश्वर बना दो। अच्छा दूसरा ईश्वर बनावेगा तो बनाने वाले ईश्वर में और बनाए हुए ईश्वर में भेद रहेगा कि नहीं? बनाने वाला ईश्वर अनादि होगा और बनाया जाने वाला ईश्वर सादि होगा, हो आदि वाला होगा। तो बनाया जाने वाला ईश्वर असली ईश्वर कभी होगा ही नहीं, इसलिए ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता भी असंभव को संभव करने में समर्थ नहीं है। ईश्वर दो ईश्वर नहीं बना सकता, ऐसी बात है। ईश्वर मर नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर के मरने का ज्ञान यदि होगा, माने ईश्वर मरे तो तब ना, जब ईश्वर के मरने का ज्ञान हो, और यदि ईश्वर के मरने का ज्ञान यदि होगा तो वो ज्ञान ही तो ईश्वर होगा। एक एक बात इस प्रसंग में आपको ये भी सुना देता हूँ, ईश्वर ज्ञान बना नहीं सकता। तो कहो कि भाई ईश्वर ने ज्ञान बनाया है, इसमें क्या दोष है? ईश्वर ने आंख बनाई, नाक बनाई, खंभा बनाया, मकान बनाया, धरती बनाई, आकाश बनाया, ईश्वर ने सब कुछ बनाया। अगर ईश्वर ने ज्ञान बना दिया तो उसमें क्या दोष है? आप विचार करके देखो तब मालूम पड़ेगा कि अगर ईश्वर ने ज्ञान बनाया तो ज्ञान बनाने के पहले ज्ञान नहीं था ना, और ज्ञान नहीं था तो ईश्वर अज्ञानी था कि नहीं था? ईश्वर बिल्कुल जड़ रूप होगा अगर ज्ञान का निर्माता ईश्वर होगा। ज्ञान तो ईश्वर जीव का निर्माण कर सकता है, परंतु ईश्वर और जीव ज्ञान का निर्माण नहीं कर सकते। यही ईश्वर का असली स्वरूप है, ज्ञान ही ईश्वर का असली स्वरूप है। प्रसंग बस ये बात कह दी कि ईश्वर जो है न मर सकता, न ईश्वर दूसरा ईश्वर बना सकता, और न ईश्वर नितांत अज्ञान की सृष्टि कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्या ज्ञान की सृष्टि करने के लिए भी ज्ञान चाहिए, और बनाए हुए अज्ञान को जानने के लिए भी ज्ञान चाहिए। यही तो हमारा आत्मा है, हमारा आत्मा ज्ञान है हो, हमारा आत्मा ईश्वर जीव नहीं, हमारा आत्मा यही अखंड स्वरूप, यही ज्ञान हमारा आत्मा है। वेदांत का ये कहना है। बोला ये छोटे छोटे बच्चों से ताली पिटवाने में ज्ञान अज्ञान का निर्णय नहीं होता है। जो ईश्वर के बारे में नहीं जानते हैं वो सब बच्चे ही हैं, विषय में तो सब के सब बच्चे हैं। तो भगवान ने कहा भाई हमारे तरीका तो कोई है नहीं, अब तो सुतता और प्रश्नी सिर नीचे करके खड़े हो गए। कहा महाराज फिर तो आप अगर पैदा होंगे तो असली नहीं होंगे, नकली होंगे, और आप सरीखा कोई है नहीं, तो हमारा वरदान तो गया। तो बोले कि अच्छा भाई असली तो हम पैदा नहीं हो सकते, लेकिन नकली से ही एक बार की जगह तीन बार पैदा होंगे। ये तीन है वो, धर्म की प्रधानता से, योग की प्रधानता से, और तत्व ज्ञान की प्रधानता से। धर्म की प्रधानता से प्रश्नगर्भ, योग की प्रधानता से वामन, और ज्ञान की प्रधानता से वासुदेव कृष्ण। और अब ये अवतार है, और मूल जो स्वरूप है अवतारी, जिसको हम अवतार की अपेक्षा से जिसको हम अवतारी बोलते हैं, वो इन तीनों से विलक्षण है। अच्छा तो ये हुआ तीन बार अवतार लेना। अब चतुर्भुजता को भी छिपाया, ये भगवान में गोपन जो है ये भगवान का स्वभाव है। ये कैसे है? अदृश्य रहना आत्मा का स्वभाव है, ये आप जानते हैं कि नहीं? दृश्य न होना, संपूर्ण दृश्य का प्रकाश करके संपूर्ण को अपने अंदर आरोपित रख के और सबका दृष्टा होके और स्वयं अदृश्य रहना, ये आत्मा का स्वभाव है। ये उपनिषद में ऐसे लिखा है, अदृष्टम दृष्टि अश्रुतम श्रोत्री अमतम मंत्री अभिज्ञातम विज्ञात्री। ये बृहदारण्यक उपनिषद में ऐसे लिखा। ये परमात्मा का स्वभाव क्या है? तो गुप्त रहना। तो अपने चतुर्भुजत्व को, मैं ही विश्व तेजस प्राज्ञ तुरीय हूँ, अपने इस चतुर्भुजत चतुष्पादत्व को
और मैं ही वासुदेव प्रद्युम्न संकर्षण अनिरुद्ध हूँ, अपने इस चतुर व्यूहत्व को छिपाने के लिए शिशु हो गए हो शिशु। अब बोले भाई काम गोकुल में गए बिना नहीं होगा, तो पहले कंस को ही मार दो। अब एक नया प्रश्न आपको उठाता हूँ, पहले गोकुल में जाकर के पूतना को, शकटासुर को, तृणावर्त को, बकासुर को, बत्सासुर को, अघासुर को पहले मारे हैं, पहले मथुरा में कंस को मारे हैं। जब मथुरा में पैदा हुए तो उचित तो यही था कि मथुरा को साफ करके यहाँ से कंस वंश को मार करके तब गोकुल में जाते तो क्या मजा आता। तो बोले फिर तो कोई मरता ही नहीं, कोई कृष्ण के सामने न पूतना जाती, न चकटासुर जाता, न तृणावर्त जाता, न बत्सासुर, न घासुर, कोई कृष्ण के सामने जाता ही नहीं। तो ये क्या बात हो गई? तो बात ये हो गई, ये उल्टी खोपड़ी की बात दूसरी होती है, हो है ना। आप साधना पक्ष में पहले अहंकार को मारना चाहते हैं कि पहले ममता को? आपकी कमजोरी बिल्कुल सूर्य के समान प्रत्यक्ष हो जाएगी यदि आप इस पर विचार करेंगे तो। आप पहले संसार में ममता को छोड़ना चाहते हैं कि अहंता को? यदि आप ये सोचते हैं कि अहंकार मर जाएगा, ममता अपने आप ही मर जाएगी, इसलिए पहले अहंकार ही को मारो, ये नहीं हो सकता। ये बिल्कुल मनगढ़ंत ये कल्पना है कि जब हमारा अहंकार मर जाएगा तो ममता अपने आप ही मर जाएगा। ममता जो है वो वृत्तियात्मक दोष है और अहंकार जो है आधारात्मक दोष है। संपूर्ण ममता आदि वृत्तियों का आधार अहंकार होता है। तो सफाई जो होती है ना, उसकी प्रक्रिया ये है कि जब वृत्तियों में जो दोष है वो पहले दूर किया जाएगा, तब आधारभूत अहंकार रूप दोष दूर होगा। देखो आप लोभ नहीं छोड़ना चाहते, कहते हो कि पैसा तो हमारे पास रहे, अहंकार मिट जाए, और दुश्मन को तो हम मारते रहें और अहंकार मिट जाए। असल में अहंकार आता कहाँ से है, अहंकार की खाद क्या है? अहंकार की खाद यही है कि हमारे बहुत सारा पैसा, ये तो हुई ममता, और पैसे वाला मैं, ये हुआ अहंकार। हमारे बहुत सारे भोग और भोग वाला मैं, यही तो हुआ अहंकार। हमने बहुत सारे दुश्मनों को मारा है ना, हमारी शक्ति के बराबर, बल के बराबर और किसका, और बल वाला मैं। तो ये जो बाहर की वस्तुएं हैं वही तो इकट्ठी करके, थोड़ा थोड़ा करके, जोड़ जोड़ के हमको अहंकारी बना देते हैं। असल में अहंकार नाम की कोई वस्तु नहीं है। हमने अहंकार को देखा है कि वो निर्मूल होता है। जब धन अपना नहीं है तो धनीपने का अहंकार अपना कैसे हो सकता है? जब भोग अपना नहीं है तो भोगीपने का अहंकार अपना कैसे हो सकता है? जब अपना कोई शत्रु ही नहीं है तो उसके मारने का, दबाने का अहंकार अपने में कैसे हो सकता है? तो असल में पहले वृत्तियों का नाश होता है, काम क्रोध लोभ मोह, माने पहले जीवन में वैराग्य आता है। पहले जीवन में तब ममत्व की शांति होती है, तब उसके बाद ये अहंकार पिशाच शांत होता है। तो पहले जड़वादी विचारधारा, सकटासुर का नाश होगा है ना, सात्विक राजसिक तामसिक वृत्ति रूप तृणावर्त का नाश होगा, स्नेहादि रूप बत्सासुर का नाश होगा, दंभादि रूप बकासुर का नाश होगा है ना, पापाचरण रूप अघासुर का नाश होगा, पाप वासना रूप अघासुर का नाश होगा, सब कंस मरेगा। माने पहले जो छोटी छोटी वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों में जो दोष है, उन दोषों का शोधन हो लेगा, सब अहंकार की निवृत्ति होगी। अब देखो
तो बोले भाई हम धन तो छोड़ेंगे नहीं और भोग तो छोड़ेंगे नहीं हैं, और हिंसा तो छोड़ेंगे नहीं और सब भोग और सब कर्म करते रहेंगे, पाप भी करते रहेंगे, जड़वादी विचारधारा में भी मगन रहेंगे, सात्विक राजस तामस वृत्तियों के अंधकार में मगन रहेंगे और कंस रूप अहंकार जो है वो मर जाए। ये कैसे मरेगा? प्रणाली ये है कि संहार लीला गोकुल से प्रारंभ होनी चाहिए, मथुरा से प्रारंभ नहीं होनी चाहिए। बोला माने स्थूल दोष की निवृत्ति, स्थूल गोकुल को मैंने बताया ना, स्थूल जीवन में जो दोष हैं उनकी निवृत्ति पहले होनी चाहिए और सूक्ष्म जीवन में जो दोष हैं उनकी निवृत्ति धीरे धीरे, बाहर से रोक लगने पर तब उनकी निवृत्ति होती है। कारण में जो दोष है महाराज वो तो जब स्वधाम गमन करेंगे तभी निवृत्त होगा, नहीं तो ये जदुवंश रूप दोष वर्णन है श्रीमद् भागवत में, जदुवंश को दोष का नाम रख करके कहिए, जज्जादवं कुल महो अभिषज्यमास्ते। जदुवंश भी एक दोष है। भगवान सोचते हैं कि जब तक ये बना रहेगा तब तक हमारी धामावस्थिति नहीं होगी, हमारी धामावस्थिति नहीं होगी और ये दूसरे के हाथ से मरने वाला नहीं है, इसको मैं खुद मारूंगा। हो आपको मालूम होए न होए, भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ से अपने निकट से निकट जो संबंधी थे उनको अपने हाथ से मारा है। कथावाचक लोग तो 11वें स्कंद का जो वो 30वां अध्याय 11वें स्कंद का वो तो कथावाचक लोग सुनाते नहीं, ऐसा मारकाट है, मारकाट है। ओ हाथ में ले करके एर कास्त, इसी कास्त्र ले करके श्री कृष्ण कूद पड़ते हैं युद्ध भूमि में और अपने निकट से निकट संबंधी का सिर काट काट के और चूर चूर करते हैं और द्वारका समुद्र में डूब जाती है। ये बात भी ध्यान देने लायक है, एक ऐसा समुद्र है जिसमें द्वारका डूब जाती है, जिसमें सुषुप्ति भी डूब जाती है वो, जिसमें प्राज्ञ का प्राज्ञत्व भी जिसमें नहीं रहता। यद्यप चैतन्य एक है परंतु जहाँ वो कहाँ है तो वो पश्चिम देश में है। ये लोग दोस्तों पश्चिम नहीं मानते होंगे पर जहाँ बैठ करके न रहे, श्रीमद् भागवत में बोला गया होगा जहाँ बैठ के, वहां से द्वारका प्रत्यक देश में है, उसको प्रत्यक बोलते हैं। ये संस्कृत में प्रत्यक माने आत्मा होता है ना, सबसे पीछे, शब्द से पीछे, कान से पीछे, शब्दाकार वृत्ति से पीछे, शब्दाकार वृत्ति के अभिमानी से पीछे, शब्दाकार वृत्ति के बीच से पीछे, सबसे पीछे जो है ना, इसी को प्रतीचि बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण का विवाह होता है पूर्व दिशा में और स्वधाम गमन होता है पश्चिम दिशा में। सामने की ओर पूर्व दिशा है और पीछे की ओर पश्चिम दिशा है, माने संपूर्ण इंद्रिय वृत्तियों से प्रत्यक्ष जो पिछड़ी हुई दिशा है। अब देखो लेके चले वसुदेव जी, लेके चले तो क्या बड़ा मजा आया उसमें। शेषो निवारयन् शेष ने छत्र छाया कर दी और जमुना जी पहले तो बहुत बढ़ी और फिर घट गई चरण स्पर्श करे, और वहां गए तो नंद बाबा का सब द्वार खुला मिला। ये सारी की सारी कथा ही इस ढंग से है। अब यहाँ शेष का उपस्थित हो जाना और जमुना जी का बढ़ना घटना, गोकुल के दरवाजे सब खुले मिलने, और वहां से महाराज वसुदेव माया लेके आ गए और भगवान को छोड़ जाए। तो भगवान को लेके गए तो दरवाजा खुला है कि नहीं, और जब माया को लेके आए तो मथुरा में हथकड़ी बेड़ी पड़ गई हाथ में, हथकड़ी बेड़ी पड़ गई हो। वसुदेव ने भी जब माया को स्वीकारा तो उनके पांव में बेड़ी और हाथ में हथकड़ी। और नारायण, जब माया का स्वभाव सत्पुरुष के पास रहने का नहीं है तो कंस आया, अरे वो तो वसुदेव जी के हाथ से उछल के कंस के हाथ में चले गए। तो बाबा हम तो तुम्हारे हाथ में, और जब उसने पटकना चाहा तो बोली हम तुम्हारे हाथ से नहीं पटके जाएंगे, उड़ गई ऊपर। अच्छा अब ये खेल सब आपको, ये तो जादू का खेल है।